नोनिया उनका बहन है जो तुमने। हेलो, वेलकम, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग के वीडियो में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज हमारे शाम के 7 बजे से। आज है देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह, तो आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारी भी तैयारी हो गई है हमारे कुल देवता उठाने की। तो आंगन में हमारा लग चुका है चौक पट्टा और ये मंडप, इसमें 5 गन्ने लगाए जाते हैं और 1 ज्वारी का पौधा। तो हमारी हो चुकी है तैयारी हमारे कुल देवता को उठाने की। और यहाँ पूजन चल रही है जो हमारे घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनकी, और हम सब यहाँ अंदर में बैठे हुए हैं और हमारे घर के जो बाकी जेंट्स हैं वो बाहर बैठे हैं। और भी लोगों का इंतज़ार हो रहा है हमारे परिवार वालों का, तो वो भी आते हैं और फिर पूजन चालू होगी। पहले पूजन की शुरू की विधियां हो रही हैं जो करते हैं पूजन, और हमारे कुल देवता को वहां पे बिठाना मंडप के नीचे। पूजन के बाद सारे जेंट्स लगा रहे हैं परिक्रमा, और जो बोलते हैं हमारे यहाँ देवता उठाने के टाइम वो बोला जा रहा है। सात बार इसके आजू बाजू परिक्रमा लगाई जाती है और हाथ में गेहूं के और ज्वारी के बीजों को रखा जाता है। 1 परिक्रमा पूरी होने के बाद बीजों को फिर डाला जाता है देवता के पास में और फिर से अपनी परिक्रमा को पूरा कर लेते हैं। यहाँ 7 बार परिक्रमा लगा के पूरी हो चुकी है और बच्चों ने बहुत मज़ा किए, बहुत मज़ा लगाए, उनको बहुत मज़ा आता है, ऐसा कुछ होता है। सारे परिवार वाले जब इकट्ठे होते हैं तब परिक्रमा लगाने के बाद में अब आगे की पूजन किया जा रहा है हमारे जो दादाजी हैं हमारे परिवार के सबसे बुज़ुर्ग उनके द्वारा। और उनके बाद में सारे लोग धूप देंगे, गुड़ घी की धूप दी जाती है कंडे की आग बना के उसके ऊपर में। तो पहले सारे जेंट्स धूप देंगे, उसके बाद में लेडीशों का नंबर आता है और इसके आसपास में सिर्फ जेंट्स ही घूमते हैं, लेडीज़ नहीं घूमती हैं। वो सिर्फ़ धूप देके और पैर पड़ने का काम होता है लेडीज़ों का। और यहाँ पे नारियल भी फोड़े जा रहे हैं, उनका भी प्रसाद बन रहा है। और सबसे ज़्यादा मस्ती और मज़ा तो सिर्फ बच्चे करते हैं, उनको ही मज़ा आता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब जब इकट्ठे होते हैं तब।
देव उठाने वाली पूजन के बाद में अब बारी आती है तुलसी विवाह की। तो यहाँ हमारी तुलसी विवाह की तैयारियाँ भी लगभग हो चुकी है। थाली हमारी तैयार हो गई है और हमने तुलसी माता को चुनरी वगैरह उड़ा के और यहाँ तुलसी पूजन की तैयारी हमारी हो गई है। अब हम करते हैं तुलसी पूजन। साधारण तरीके से ही हमारे यहाँ तुलसी पूजन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ तुलसी पूजन करते हैं एकदम सिंपल तरीके से, हम वैसे ही तुलसी पूजन करते हैं। तुलसी पूजन भी हमारी यहाँ हो गई है तो अब हम चलते हैं अपने अपने घर प्रसाद लेके तुलसी पूजन का, तुलसी विवाह का, जो भी कहते हैं आपके यहाँ हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो तुलसी पूजन तुलसी विवाह सब कहा जाता है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारे यहाँ की पूजन पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें जिनने ना करे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।